नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है और क्यों इसको बॉयलर ड्रम के ऊपर लगाना कंपलसरी है, तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बॉयलर माउंटिंग का यूज बॉयलर की सेफ वर्किंग के लिए किया जाता है ताकि बॉयलर का ऑपरेशन सेफली वर्क करे। और बॉयलर माउंटिंग में वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वाल्व, प्रेशर गेज, मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व, फीड चेक वाल्व और ब्लो ऑफ कोक आते हैं और ये सभी बॉयलर के स्टीम ड्रम से कनेक्टेड होते हैं। बॉयलर ड्रम के अंदर जो स्टीम प्रेशर होता है वो स्टीम प्रेशर वर्किंग प्रेशर से ज्यादा इंक्रीज ना हो और उस प्रेशर से कोई भी एक्सप्लोजन ना हो, तो इसीलिए बॉयलर माउंटिंग का यूज बॉयलर ड्रम के ऊपर किया जाता है ताकि बॉयलर का ऑपरेशन सेफली वर्क करे। आईबीआर के अकॉर्डिंग यानी इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बॉयलर माउंटिंग का बॉयलर ड्रम के ऊपर लगा होना कंपल्सरी है। हम बिना माउंटिंग के बॉयलर को रन नहीं कर सकते। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर की। वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर में ड्रम के पानी के लेवल को दिखाता है। इसमें एक ग्लास लगा होता है जिसमें पानी का लेवल शो होता है। इसका एक हिस्सा वाटर सेल से कनेक्टेड होता है और दूसरा हिस्सा इसका स्टीम सेल से कनेक्टेड होता है। बॉयलर का ऑपरेटर मैन्युअली वाटर लेवल इंडिकेटर को हमेशा देखता रहता है कि बॉयलर के ड्रम में पानी का लेवल कितना चल रहा है। अगर बॉयलर में पानी का लेवल कम हो जाए और बॉयलर चलता रहे तो धीरे धीरे पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और बॉयलर हीट होने लगता है और हीट होने से बॉयलर की ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। तो इसीलिए बॉयलर ऑपरेटर का ध्यान हमेशा वाटर लेवल इंडिकेटर पर रहता है और वो देखता रहता है कि बॉयलर के वाटर का लेवल हमेशा मेंटेन रहे। वाल्व नंबर सेकंड पे है सेफ्टी वाल्व। इस ड्रम पे दो मैकेनिकल स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व लगे हुए हैं और इनका काम होता है अगर बॉयलर में स्टीम का प्रेशर वर्किंग प्रेशर से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये सेफ्टी वाल्व उस प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बॉयलर के ड्रम में स्टीम का वर्किंग प्रेशर 9 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन कर रहे हैं, तो हम पहले सेफ्टी वाल्व को 9.5 केजी पे सेट करेंगे और दूसरे को 9.8 केजी पे सेट करेंगे। जब हमारे बॉयलर के ड्रम में स्टीम का प्रेशर 9 केजी मेंटेन हो जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल की तरफ से बॉयलर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, यानी हमारे आईडी फैन, एफडी फैन ये सब बंद हो जाते हैं। और जब प्रेशर डाउन होने लगता है तो 8.7 केजी या फिर 8.8 केजी पे बॉयलर ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी कारण से हमारा इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल फेल होता है और हमारा वर्किंग प्रेशर 9 केजी से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो पहला सेफ्टी वाल्व हमारा 9.5 केजी पे प्रेशर को रिलीज कर देगा। अगर किसी कारण से हमारा पहला सेफ्टी वाल्व भी फेल हो जाता है तो जो दूसरा सेफ्टी वाल्व है वो 9.8 केजी पे स्टीम के प्रेशर को रिलीज कर देगा। तो ऐसे ये दोनों सेफ्टी वाल्व बॉयलर के ड्रम में काम करते हैं एज ए माउंटिंग। तो ऐसे ये दोनों सेफ्टी वाल्व बॉयलर की सेफ वर्किंग में मदद करते हैं कि स्टीम प्रेशर के ज्यादा इंक्रीज होने से कोई भी एक्सप्लोजन ना हो। नंबर थ्री पे है प्रेशर गेज। बॉयलर के स्टीम ड्रम में स्टीम का प्रेशर कितना चल रहा है वो इस प्रेशर गेज पे शो होता है और ऑपरेटर इस गेज को चेक करता रहता है कि बॉयलर में स्टीम का प्रेशर कितना चल रहा है। नंबर फोर्थ पे है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व और ये स्टीम की मेन लाइन में लगा होता है और ये लाइन कनेक्टेड होती है बॉयलर के स्टीम ड्रम से। इसी लाइन से स्टीम प्लांट में फॉरवर्ड की जाती है। अगर हम इस वाल्व को ओपन करेंगे तभी स्टीम इस लाइन से होकर प्लांट में जाएगी और अगर हम इस वाल्व को क्लोज कर देंगे तो स्टीम की सप्लाई यहीं पे रुक जाएगी और स्टीम आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। इस वाल्व का यूज तब भी किया जाता है अगर प्लांट में कोई स्टीम का गैस्केट फट जाए या फिर कोई स्टीम की लाइन रिपेयर करनी हो या फिर कोई मॉडिफिकेशन करना हो लाइन में, तब इस स्टीम के मेन स्टीम स्टॉप वाल्व को बंद कर दिया जाता है और स्टीम की सप्लाई को यहां पे रोक दिया जाता है। उसके बाद जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो मेन स्टीम स्टॉप वाल्व को फिर से ओपन कर देते हैं और स्टीम की सप्लाई को प्लांट में भेज दिया जाता है। तो ऐसे मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व काम करता है। नंबर फिफ्थ पे है फीड चेक वाल्व और ये लगा होता है बॉयलर की फीड लाइन में, यानी जो लाइन फीड वाटर पंप से बॉयलर के ड्रम से कनेक्टेड होती है ये उस लाइन में लगा होता है। इसका काम होता है, इसमें एक एनआरवी लगा होता है, ये जो आप पर्पल कलर का देख रहे हैं ये एनआरवी है। जब फीड वाटर पंप चलता है तो पानी के प्रेशर से ये एनआरवी ऊपर उठ जाता है और पानी इस रास्ते से होके इस लाइन से इस ड्रम में एंटर करता है।
जब बॉयलर में पानी का लेवल मेंटेन हो जाता है तो फीड वाटर पंप बंद हो जाता है और ये एनआरवी की शीट अपनी पोजीशन पे आ जाती है और इस रास्ते को बंद कर देती है। इस लाइन में स्टीम का प्रेशर रहता है, वो भी मदद करता है इस शीट को अपनी शीट के ऊपर बैठने में और ये रास्ता क्लोज हो जाता है और स्टीम का प्रेशर इस लाइन में नहीं आता। फीड वाटर पंप का प्रेशर हमेशा स्टीम प्रेशर से ज्यादा होता है, तभी फीड वाटर पंप पानी को स्टीम ड्रम में फिल कर पाता है। अगर फीड वाटर पंप का प्रेशर कम होगा तो स्टीम का प्रेशर पानी पे ज्यादा होगा और पानी स्टीम ड्रम में फिल नहीं होगा। नंबर 6 पे है ब्लो ऑफ कोक। बॉयलर के ड्रम में पानी के निचले स्तर पे कुछ स्लजेस जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे ये स्लजेस बॉयलर की एफिशिएंसी को कम करती हैं। तो इन स्लजेस को ड्रेन करने के लिए ब्लो ऑफ कोक का यूज किया जाता है। इस वॉल को ओपन करके इन स्लजेस को इस लाइन के थ्रू ड्रेन कर दिया जाता है, तो ये ब्लो ऑफ कोक का काम होता है। नंबर 7 पे है मड होल। मड होल का यूज तब किया जाता है जब बॉयलर के ड्रम की क्लीनिंग करनी हो या फिर कभी बॉयलर में फायर ट्यूब को चेंज किया जाए, तो फायर ट्यूब को चेंज करते समय बॉयलर के अंदर काफी कचरा जमा हो जाता है और कुछ स्लजेस जमा होती है जो बॉटम पे होती है, तो इन सब को क्लीन करने के लिए मड होल को ओपन कर लिया जाता है और यहां से इस कचरे को पूरी तरह यहां से ड्रेन कर दिया जाता है और बॉयलर के इस ड्रम को पूरी तरह क्लीन कर लिया जाता है और फिर इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये होता है बॉयलर माउंटिंग का काम बॉयलर पे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।